दोस्तों अफ्रीकी लंग फिश एक साल तक पानी के बाहर भी रह सकती है क्योंकि इस मछली के फेफड़े भी होते हैं। जब इनको पानी में खतरा महसूस होता है तब यह एक बलगम कोकून को स्त्रावित करती है और मिट्टी के नीचे 9 इंच तक डूब जाती है, जहां ये सांस लेने के लिए अपने फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं और ये सांस लेने के लिए बारिश के पानी में भी डिपेंड होते हैं। दोस्तों अफ्रीकी लंग फिश के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।